अजीब सुनने में लगता है। हम जो पूर्ण है, हमें लगता है ईश्वर पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं और जीव भी अपूर्ण है। तो अगर ऐसा बोला जाता कि वो ईश्वर पूर्ण है तो ज़्यादा अच्छा लगता। पूर्णमदः अपूर्णमिदम्। हाँ, और फिर बोला जाता पूर्णात् अपूर्णम दच्छते, उस पूर्ण से अपूर्ण आया, तो ज़्यादा स्ट्राइक करता, ज़्यादा अपील करता। अब यहाँ बोला गया वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से बोल देते हैं लोग ना, वो पूर्ण, यहाँ सब चीज़ अपूर्ण है, सब चीज़ में अपूर्णता है। अब इस पर हम लोग ने 2-3 दिन शायद लगाए हैं, ये पहली लाइन में, दूसरी लाइन नहीं आए, अभी दूसरी लाइन पे आना बाकी है और आएंगे कभी न कभी लाइफ में, चिंता ना करें। तो पूर्णम अदा, अदा पूर्णम, वो पूर्ण है। तो हमने आपको अपनी बात निवेदन की थी कि जो जितना व्यापक होता है, जो कारण होता है वो व्यापक होता है, वो नित्य होता है, वो एक होता है, और जो कारण होगा वो चेतन जरूर होगा। अगर कारण ही जड़ हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी कि वो पूर्ण अपूर्ण हो जाएगा, हमारा दृश्य बन जाएगा। फिर से बोल देते हैं, जो कारण है वो अगर हमसे अलग होगा, ये न्याय यही बोलता है, न्याय ने बोला ईश्वर अलग है, ईश्वर ने जगत को बनाया, बोले किसका न्याय, ये न्याय दर्शन का नाम है, एक दर्शन का नाम है न्याय। हम आपको सारे दर्शन की सैर नहीं कराना चाहते, लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हर एक दर्शन को देखते हैं पक्का करने के लिए। तो एक दर्शन है न्याय वैशेषिक, एक दर्शन है सांघ योग, दो दर्शन, और दो दर्शन है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, 6 हो गए, और 3 दर्शन नास्तिक हैं, उनका नाम है चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन, धर्म मत भूलिएगा, दर्शन। तो क्या बोलना चाहते हैं आप, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो कारण होगा वो नित्य होगा, वो सर्वव्यापी होगा, वो एक होगा, वो चेतन होगा। इस बात को आप थोड़ा मन में डाल लीजिए, मतलब बिल्कुल हम समझ गए इस बात को, आपने समझाया तो हम समझ गए अच्छे से। जब हम बोलते हैं कारण तो हम उसको कहीं अलग रख देते हैं, कहीं दूर सुदूर देश में लोग बोलते हैं भगवान देख रहा है, ऐसे नहीं होते भगवान देख रहा है, भगवान ऊपर देख रहा है, ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला नीचे वाले को जानता है, ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत कंफर्टेबली यूज़ करते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि भगवान किसी अलग लोक में है। अब ये जो स्टेटमेंट बोला है यजुर्वेद में, ये बड़ा गंभीर है साहब, अधः पूर्णम। अच्छा, वो जो चेतन हो गया ना, उससे जो है मामला थोड़ा ट्विस्ट आ गया उसमें। अगर चेतन हो गया वो, तो हमारे चेतन और उस पूर्ण के चेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर दो चेतन में अंतर हो जाएगा, चेतन की परिभाषा क्या है, जो स्वयं को जाने और दूसरे को जाने, स्वयं प्रकाश, नो देति न अस्तमेति न वृद्धिम याति न क्षयम स्वयं विभाति यथान्यानि भासेत साधनम बिना। ये चेतन की परिभाषा दीर्घ दृष्टि में बोली गई है, बड़ी धीरे बोलिए, बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप। तो हम चेतन उसको बोलते हैं जो स्वयं प्रकाश है। ये घड़ी स्वयं प्रकाश है क्या? नहीं है। अच्छा, ये बॉडी, ये जो शरीर है, स्वयं प्रकाश है क्या? नहीं है। मन स्वयं प्रकाश है क्या? यदि मतलब चेतन मतलब कुछ मूव करे उसको चेतन बोलते हैं, ऐसा नहीं है बोले पंखा चेतन है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मूवमेंट का चेतन से कोई लेना देना नहीं। सो जो चेतन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो चेतन होगा वो क्या बोला तुमने, वो जो चेतन होगा वो हमारा चेतन और जो पूर्ण का चेतन है, तो अलग अलग चेतन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमारा चेतन और पूर्ण का चेतन दो चेतन हो गए, ये सांख्य बोध यही बोलता है, तो उसमें समस्या क्या हो जाएगी कि हमारा चेतन आपके चेतन का जड़ हो जाएगा और आपका चेतन हमारे चेतन का जड़ हो जाएगा। हम आपके चेतन को देख रहे हैं, आपका चेतन हो गया दृश्य, हमारा चेतन हो गया दृष्टा, तो आपका चेतन जड़, हमारा चेतन जड़ आपके लिए और आपका चेतन जड़ हमारे लिए। बोले होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जो बोलिए सब मान लेंगे। नहीं मानने वाले ये नहीं, अगर आपका चेतन जड़ हो गया तो आपको अनुभव होगा कि मैं नहीं हूँ, आपको अहम का अपनी स्वयं प्रकाशता अहम अस्मी ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो दो चेतन, अगर हमारा चेतन आप जड़ बोल देते हैं तो हमारे चेतन से हमारा अनुभव हो जाएगा कि हम नहीं हैं या हम नहीं जानते, जैसे ये डेस्क नहीं जानती कि अहम अस्मी, उसी तरह से हम नहीं जानेंगे कि अहम अस्मी। तो जो पूर्ण का चेतन है और जो हमारा चेतन है, ये दो चेतन अलग नहीं होगा, बहुत बड़ी बात हो गई। और इसका कारण, इसका परिणाम क्या है, आपको पता क्या परिणाम है, आपको पता क्या परिणाम आ गया इसका, क्या अहम पूर्ण है। इसका परिणाम ये आ गया कि जो हम अदा बोलते थे उसको, अगर वो चेतन है तो ये अहम भी पूर्ण है। बोले हम कहां पूर्ण हैं, हम छोटे मोटे आदमी, दुखी सुखी होने वाले, पैर में चोट लग गई हमारे, आप करें पूर्ण है, दांत में भी दर्द है आप करें पूर्ण है, यहां वहां भाग रहे हैं गिरते पड़ते यहां पहुंचे, अब सोच रहे हैं कैसे जाएंगे, और आप कह रहे हैं आप पूर्ण है। थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते इन लोग वेदांत में, थोड़ा सा किसने लिखा ये सब, थोड़ा हम कहाँ पूर्ण है भाई, अदा पूर्ण हम मान लेते हैं, इधर हम पूर्ण कैसे माने। अच्छा एक बात बताओ, जो एक है चेतन है सर्वव्यापी है, तो जो सर्वव्यापी चेतन होगा वो आप में व्याप्त करेगा कि नहीं करेगा? अगर सर्वव्यापी चेतन आप में व्याप्त कर रहा है तो आप भी तो सर्वव्यापी होंगे, जो आम है हमारा वो भी सर्वव्यापी होगा, वो भी चेतन होगा, वो भी एक होगा, वो भी नित्य होगा। तो लेकिन हमें अनुभव नहीं होता, नहीं हमें अनुभव होता है, हम अपने अनुभव को नहीं जानते हैं। जैसे यह है हाथ, अब आपका अनुभव क्या हो रहा है, बोले हाथ है, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बोल रहे हैं कि ये हाथ है। ऐसे भी हाथ साफ हो गया है उनका। उनका कहीं अब कोई हाथ नहीं है। डाइंग इट्स नेचुरल डेथ, ऐसा बोल रहे हैं लोग। एनीवे, अब आपको दिख रहा है हाथ है, ये गलत बात है, ये हाथ नहीं है, ये हाथ पे प्रकाश भी है। आपने प्रकाश को न देख के केवल हाथ को देखा, जब ये हाथ नहीं था तो भी प्रकाश था, जब हाथ है तो आपका ध्यान प्रकाश पे न जाके केवल हाथ पे है। जो ये ध्यान चला गया हमारे हाथ पे, इसको बोलते हैं इदम, और जो प्रकाश है इसको बोलते हैं अहम। सो पूर्णम अदः पूर्णमिदम। बोले मतलब आप बोल रहे हैं कि जो पूर्ण है वो एक है, वो चेतन है, वो सर्वव्यापी है, वो नित्य है, और वो मैं हूं। बोले लेकिन हम पैदा हुए हैं, पैदा शरीर हुआ है। बोले लेकिन शरीर तो मैं हूं। अच्छा शरीर आप हैं? बोले हाँ। लोग बोल भी रहे हैं कि आप बहुत मोटे हो रहे हैं,
किसी ने बोला आप बहुत पतले हैं, अरे भाई लोग क्या बोलते हैं उसकी बात नहीं है। वेदांत बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जा पाया, इसीलिए बहुत गंभीर था विषय। गंभीर ना होता तो इसमें भाष्य नहीं लिखा जाता। फिर से बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे तो रहे हम, कितना ध्यान दें भाई। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इस चेतन से इदम कैसे आएगा भाई, इदम आया कहां से, जब पूर्ण ही पूर्ण है तो कुछ और दो पूर्ण हो जाएंगे, एक पूर्ण दूसरे पूर्ण को लिमिट कर देगा, सीमित कर देगा, दो पूर्ण कैसे हो जाएंगे, क्योंकि एक पूर्ण सब कुछ उसी में आ गया तो दूसरा पूर्ण कहां से आ जाएगा। मतलब जितना मर्जी मान लीजिए, नहीं अगर आप मान लेंगे जितना मर्जी तो उसमें समस्या क्या हो जाएगी, ये पूर्ण जो है सर्वव्यापी नहीं होगा और ये पूर्ण जो है नित्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों लिखा, पूर्णात पूर्णम उदच्छते, उदच्छते मतलब निकला, पूर्णात पूर्णम उदच्छते, इसको बोलते हैं एबिलिटिव केस, अपादान, फिफ्थ केस। सुना होगा आपने, मैंने नहीं सुना, आप ऐसी ऐसी बात करते हैं। जैसे रामात है, रामात मतलब राम से, संस्कृत में प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते, ऑफ इज फॉर दैट ये सब नहीं यूज़ होता उसमें। सो रामात राम से, रामात कृष्णात शिवात, ठीक है ना, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामिण रामाभ्याम रामय रामा रामात रामस रामाय रामाभ्याम रामे राम रामेभ्य। और पंचमी विभक्ति होती है रामात, इसका पता है मतलब क्या होता है, जो विभक्ति होती है पंचमी उसको एबिलिटिव केस बोलते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में, और हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं, अपादान। तो जो पंचमी होती है वो इंडिकेट करती है उपादान कारण को, और सारे उपनिषद इस बात को बोलते हैं कि इस पूर्ण से ये जगत आ गया। अच्छा, हम लोग जब पूर्ण शब्द का प्रयोग करते तो हम कहीं कहीं उसको शिफ्ट करते हैं, धीरे से हम पूर्ण को ऑब्जेक्टिफाई कर जाते हैं, बोले कहीं वो पूर्ण है इससे जगत आ गया, और यही मिस्टेक हो जाती है। अगर पूर्ण से जगत आ गया तो पूर्ण से कुछ निकल नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण प्लस समथिंग इज इक्वल टू पूर्ण, पूर्ण माइनस समथिंग इज इक्वल टू पूर्ण, पूर्ण में प्लस और माइनस नहीं हो सकता। पूर्ण मदह पूर्ण मिदम, एक तैत्तिरीय उपनिषद सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना, उसमें एक मंत्र आता है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभी संविशन्ति इति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। वहां भी यतः पंचमी में आया है, जो उपादान कारण होता है उसको पंचमी से, पंचमी मतलब एबिलिटी केस, नाग पंचमी नहीं, पंचमी मतलब वो पंचमी, उसको बोलते हैं फिफ्थ केस को पंचमी बोलते हैं। बोले क्या बोलते हैं, कौन सा कोर्ट केस, नहीं नहीं फिफ्थ केस, ये रामा रामा रामो रामा, ये प्रथमा विभक्ति है, जो कर्म में होता है उसको बोलते हैं द्वितीय। जैसे रामा ग्रहम गच्छति, तो ग्रहम को द्वितीया बोलते हैं, राम गोज टू द हाउस, राम द्विचक्रया ग्रहम गच्छति, राम साइकिल से घर जाता है, तो ये तो द्विचक्रिकाया चक्रिकया आया है, इसको तृतीया बोलते हैं। थोड़ा सा संस्कृत जान लीजिए क्या है, और राम घर जाता है राम द्विचक्रिकया भोजनाय ग्रहम गच्छति, ये भोजन के लिए घर जा रहा है, इसको चौथी विभक्ति बोलते हैं। इतनी संस्कृत तो पता होना चाहिए, बोले नहीं पता है। और पंचमी में राम जहाँ से जाता है राम वनात वन से जाए, तो यतो वाई मानी भूतानी जब बोली गई बात तैत्री में आता है, तो मतलब कि उसी चेतन से जगत आया है। समस्या ये हो जाती है कि अगर चेतन से जगत आया तो चेतन को परिवर्तित करके आया
कि बिना परिवर्तित किया है। हाँ, अगर चेतन को परिवर्तित करके जगत आ गया तो उसमें समस्या ये हो जाएगी कि चेतन में विकार होगा तो आपने जो सर्वव्यापी नित्य बोला है वह नित्य हो जाएगा। अहम से जगत आया इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए पूर्णात् पूर्णम उदच्यते का मतलब है वैसे ही जैसे कि स्वर्ण से आभूषण आया। जब स्वर्ण से आभूषण आया तो जो आभूषण है मतलब नाम रूप ही आया। स्वर्ण में स्वर्ण प्लस नाम रूप इज इक्वल टू स्वर्ण। अगर सोने का वेट 5 किलो है और 5 किलो का आभूषण है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर आभूषण का वेट 5 किलो है, सोने का वेट 5 किलो है, तो मतलब स्वर्णात् स्वर्णमुदच्यते, तो मतलब आया क्या? आभूषण का कितना वेट है? सोने से अलग है आभूषण का भार? सोने से अलग आभूषण का भार है? बोले नहीं है। तो आया क्या फिर? बोले डिजाइन नहीं। अच्छा, डिजाइन नहीं, डिजाइन क्या होती है? बोले डिजाइन मतलब डिजाइन होती है। डिजाइन तो आपके मन में आप उसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको बताया ना होता कि इसको हार बोलते हैं और इसको नथनी बोलते हैं तो आप यही बोलते कि ये सोना है। ये तो आपके मन में ये बात डाली गई कि इसको हार बोलते हैं, इसको करगनी बोलते हैं, तो स्वर्ण से हार आया या स्वर्ण से ये आया, अमुक तमुक आया, मतलब आया नहीं। मतलब ये कि जो नाम रूप आया, नाम रूप का कोई वेट नहीं होता, नाम रूप का कोई भार नहीं होता। नाम रूप इज नॉट अ सब्सटेंस। अरे बट व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारा नाम रूप है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा गाल है, हमारा सर है, काम नहीं कर रहा अलग बात है, लेकिन है हमारे पास सब कुछ। अब ध्यान देखिए, सुनिएगा, जब हम आपको छूते हैं, मान लीजिए हम आपको टच करते हैं, तो हमने आपको टच किया कि हमने पंच महाभूत को टच किया? हमने तो पंच महाभूत को टच किया। बोले लेकिन हमें तो नाक को टच किया। वो तो आपको लग रहा है कि नाक को टच किया। हमने तो पृथ्वी तत्व को टच किया, पंच महाभूत को टच किया। वो हमको लगता है कि एक सब्सटेंस है। वर्ल्ड इज अ सब्सटेंस। वर्ल्ड इज नॉट अ सब्सटेंस, बिकॉज सब्सटेंस इज दैट विच कैन बी प्रूव्ड सेपरेटली। इट कैन नॉट बी प्रूव। हमने इस लकड़ी को टच किया, ध्यान दीजिएगा, इस डेस्क को टच किया। हमने जब इस लकड़ी को टच कर दिया तो किसका टच किया? लकड़ी को टच किया। हाँ तो बोलिए। हाँ हाँ ठीक है सर, जरा वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? हेलो हरिओम। जब हमने लकड़ी को टच किया तो आपने लकड़ी को टच किया कि जिस मिट्टी से लकड़ी आई थी उसको टच किया? बोले ऐसे सोचते सोचते आप लोग पागल नहीं हो जाएंगे? एक बार प्रयागराज में 20 साल पहले किसी का हमारा प्रवचन, एक जने आए, बोले आपकी ऐसी कक्षा रोज होती है वहां पे? हाँ रोज होती है। फिर अगली बार जब मैंने पूछा, बोले सब लोग ठीक हैं। अब बताओ, अब आप ठीक हैं कि ये ठीक है? तो वेदांत पागल है तो हम पागल हैं? देखिएगा, और सीरियसली पूछा उन्होंने, बहुत गंभीरता से पूछा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमने जब लकड़ी को टच किया तो हमने लकड़ी को नहीं, हमने मिट्टी को टच की, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी जो है, मिट्टी जो आप अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, जिसको आप पृथ्वी बोलते हैं, इट इज मेड 70-80% आउट ऑफ वाटर। अगर पूरी पृथ्वी को जला दिया जाए तो पूरी पृथ्वी एक मटर के रूप में आ जाएगी। जो शरीर क्रिमेशन ग्राउंड में नहीं, जो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, है? जो शरीर इलेक्ट्रिक ओवन में जलाया जाता है,
शायद आपको पता हो ना हो, पूरे शरीर इतनी मिट्टी हो जाती, इतना एसिड हो जाता। किसी ने हमको बताया, हम तो गए नहीं वहाँ, लेकिन अगर अच्छे से जला दिया गया हो, जो गंगा जी के पास जलाते हैं ठीक नहीं जलाते वो लोग, क्योंकि पूरा नहीं जलाया जाता है, उसमें कुछ हड्डी वगैरह रहती है, इतना होता है। लेकिन जो अवन होता है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो पूरी जो हमारे शरीर की जो मिट्टी, मतलब हमारे शरीर को डिहाइड्रेट कर दिया गया, जलाने का मतलब डिहाइड्रेट कर दिया गया। अगर पूरे अर्थ को जला दिया जाए तो पूरा जो पृथ्वी है वो केवल इतनी सी एशेस बची की राह बची। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आप मिट्टी को छू रहे हैं, नहीं, आप पानी को छू रहे हैं। आप ये हम नहीं छू रहे, नहीं, आप पानी को छू रहे हैं। आपने पानी को छुआ क्योंकि कारण को छू रहे हैं आप। पानी जो है गर्मी से आता है, अग्नि से आता है। देखिए कितना बरस है, गर्मी हो, मतलब आप पानी को न छू के आप अग्नि को छू रहे हैं। अग्नि का कारण है वायु, आप अग्नि को न छू के वायु को छू रहे हैं। और पीछे चलते चलिए, और वायु को न छू के आप आकाश को छू रहे हैं। और पीछे चलिए, आकाश को न छू के, आकाश बिना मन के सिद्ध नहीं होता, तो आकाश को न छू के हम मन को छू रहे हैं। बोले मन को कैसे छू सकते हैं, बाय द वे सुनते रहिए, ओके। बोले कितनी बात आपकी माने, इसका मतलब हम उसको देख रहे हैं कि वृत्ति ही है, उस हिसाब से कह रहे हैं। आप वृत्ति को न छू के आम को देख रहे हैं, क्योंकि वृत्ति जो है आम का एक विवर्त है। तो कहने का मतलब है कि हम जगत को न देखकर आम का एक विवर्त देख रहे हैं। बोले मतलब हमारा आम अलग रूप में दिख रहा है, एग्जैक्टली बोले हमारा हम घड़ी के रूप में दिख रहे, एग्जैक्टली बोले सोचेंगे बताएंगे आपको। हमारा हम किताब के रूप में दिख रहा है, हाँ। पूर्ण अपूर्ण के रूप में दिख रहा है, जी हाँ। तो जितना ये नाम रूप है सब क्या है, घर, खिड़की, दरवाजा, किसी भी चीज को आप जब कारण के साथ देखेंगे तो कारण के रूप में केवल हम ही मिलेगा। कारण के रूप में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसे जब प्रलय होता है ना तो बहुत पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि पृथ्वी डूब जाती है। एक स्टेप पढ़िएगा भागवत में प्रलय कैसे होता है। बोले हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आप रहेंगे तब कहाँ खड़े होंगे आप, अरे छत पे। अच्छा, जब जब जो है प्रलय में पृथ्वी जल में डूब जाती है, अगली बात सुनिए, खूब तेज सूर्य आता है, इतना तेज सूर्य हो जाता है कि जो पूरा जल है वो सोख लिया जाता है, खत्म हो गया, पृथ्वी एंड जल गॉन। अब आप सोचिए कैसा होगा जगत, बिना इससे पृथ्वी एंड जल, दैट मीन्स ऑल प्लेनेट गॉन। फिर जो आपका सोलर सिस्टम है वो गया। अगली बात बोले, सो पृथ्वी जल में गई, जल अग्नि में गया, अग्नि वायु में गई, वायु आकाश में गया, आकाश हिरण्यगर्भ में गया। तो प्रलय में आकाश नहीं होता,
पीताम्बर शब्द का आएगा पीतमाम्बरम, ये जो 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 आकाश कोई पी जाए। ओम पूर्ण मदह पूर्णमिदम, इसमें जो मुश्किल बात समझने की है वो इदम पूर्णम है। और उसमें जो मुश्किल बात है, जब इदम को पूर्ण बोला मतलब जो नाम रूप आ रहा है इट इज नॉट सब्सटेंशियल, इट इज प्रोजेक्टेड। लेकिन वो दिख तो रहा है, अरे दिखना कोई प्रमाण है। ओम पूर्ण मद, फिर से हम आपको कल की तरह हम ले जाते हैं सपने में, इसको तो आप पकड़ लीजिएगा जो हम बोलने वाले, ये हमको बहुत सूट कर रहा। क्या जो हम बोलने वाले, बोले आपकी बात आप ही को सूट कर रही है, हमें नहीं सूट कर रही है। नहीं मतलब ये इस तरह सोचना आपको अच्छा लगे, चलिए आप बोलिए क्या करें, सुनना तो ही। जब हम सपना नहीं देख रहे हैं, सपना नहीं देखने के पहले एक आम है, एक चेतन है। प्लीज बी केयरफुल, जब आपने सपना नहीं देखा तो एक चेतन है, उस चेतन में देश काल नहीं है, सपना नहीं शुरू हो ना। जिस अहम में देश काल नहीं होगा कैसा होगा, वो पूर्ण होगा। इसीलिए एक मेडिटेशन है कि बिफोर सीइंग द ड्रीम यू स्टॉप देयर। जहां पे देश काल नहीं है वो पूर्ण है। अब आपने सपना देखा, सपना में आपने देखा, जरा अच्छा सपना देखा जाए कि आप स्विट्जरलैंड गए, यूरोप टूर पे गए हैं आप, और आप माउंटेन ऑफ एप्स देख रहे हैं, वेल माउंटेन है, बर्फ बर्फ वो देख रहे हैं, या आप चले गए कहाँ चला जाए, नीदरलैंड चले जाते हैं, दिस लैंड ऑन दैट लैंड, नीदरलैंड ये नहीं है, नीदरलैंड में डच सीख बोलते हैं, डच है ना वो, नीदरलैंड चले गए। अब हमने देखा कि हम तो पैसा लाए नहीं है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन में एक ही करेंसी चलती है, यूरो चलती है। चलिए हम वहां गए, हमने कुछ खाया वाया, बेल्जियम चले गए, बेल्जियम में पता है क्या पॉपुलर है, चॉकलेट, तो बेल्जियम में तो दोनों जगह चॉकलेट पॉपुलर है, बेल्जियम डार्क चॉकलेट भी और लाइट चॉकलेट भी। आप वहाँ चले गए बेल्जियम में, चॉकलेट वॉकलेट खरीदा अपने बच्चों के लिए, और आप घर वापस आ गए, घर वापस आए तो लोगों ने कहा आप क्या लाए यूरोप से, बोले चॉकलेट लाए, और बाई मिस्टेक आपने सारी डार्क चॉकलेट ला ली, बच्चों ने कहा इनको नहीं पसंद, नहीं अच्छी लगती डार्क चॉकलेट, फिर आपको बहुत बुरा लगा, बोले हम देखती लाए चॉकलेट इनको पसंद नहीं आ रही। अच्छा और क्या मिलता है यूरोप में, व्हाट यू गेट इन यूरोप, कुछ मिलता चीज, चीज तो शिकागो का प्रसिद्ध है, ऐसा सुना शिकागो गए तो जो बड़ा इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं पिज्जा लाए, वो इतना बड़ा पिज्जा, और पिज्जा बड़ी अजीब सी चीज है, स्क्वायर है उसमें राउंड है फिर ट्रायंगल है, और जो पिज्जा लाई थे इतनी बड़ी लेयर चीज की, आप बताओ आदमी रहेगा उसके बाद, आई थिंक यू आर इन स्पेन, तो स्पेन में देयर वाज नो पेन आई थिंक, तो इतना बड़ा इतनी बड़ी लेयर चीज की
इतना बड़ा आया था पिज्जा हमारे लिए, आप सोचिए क्या हाल होगा हमारा। कई यहाँ पसंद करने वाले हैं, सब खुश हो गए। तो पसंद है ना? हाँ देखो, तो हम तो लेते नहीं। अब आप घर में आए और आप घर में देखे कि सब लोग नाराज हो गए कि वो आपने हमारे लिए कुछ ला ली, फिर आपने कहा हम कभी नहीं जाएंगे और आप उठ गए। जो आप थे, जो बेल्जियम था, वो बेल्जियम भी आप ही थे, चीज भी आप थे, इसका भी आप थे। अभी रुकिए, पूरा नहीं हुआ। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, जब आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, 100% अटेंशन रखिए। जब आप सपना देख रहे थे, एक स्वप्न दृष्टा था जो सपने के पहले भी था, जिसमें देश काल वस्तु नहीं थे, ठीक, उसको हम पूर्ण मदा बोलेंगे। उस स्वप्न दृष्टा में जब आप सो रहे थे, तो सुषुप्ति का दृष्टा था, उसमें देश काल वस्तु नहीं थी। हमने स्वप्न देखा, वो बिना परिवर्तित हुए, स्वप्न दृष्टा परिवर्तित नहीं हुआ है स्वप्न को देखते समय। सर, वाइल यू आर ड्रीमिंग द ड्रीम सीयर हैज नॉट चेंज्ड, रादर द ड्रीमिंग यू हैड ड्रीमर ड्रीम एक्सपीरियंसेस एंड ड्रीम वर्ल्ड। I went to Belgium, I went to the shop and I had experience, it was very quiet, very cold, very good. लेकिन इन सब देखने में भी स्वप्न दृष्टा वैसे का वैसे ही था। जब स्वप्न दृष्टा को नहीं देखा गया था, जब सपना नहीं देखा गया था, तो स्वप्न दृष्टा था कि नहीं था? था। अगर वो था तो उसमें देश काल नहीं था, नहीं था, पक्का लॉक कर दिया जाए। अगर वो स्वप्न दृष्टा में देश काल नहीं था, तो क्या सपने का देश काल उससे आया है? हाँ, नहीं आया है। फिर वही दिख रहा है स्वरूप में। अरे बहुत अच्छा समझ रही है भाई, बधाई। तो पूर्ण मदा, ये जो था, ये स्वप्न स्वप्न दृश्य था, ये पूर्ण विदम है। पूर्णा पूर्णम दच्छते, स्वप्न देखने के पहले दृष्टा ऐसा ही था, उसमें देश काल नहीं था। स्वप्न देखते समय दृष्टा था, उसमें देश काल आ गया। बहुत सर्दी लग रही क्या आपको? हम आपसे प्रश्न करते, जब आप जाग गए, उस स्वप्न दृष्टा का क्या हुआ? लीन हो गया। जब आप जाग गए तो स्वप्न दृष्टा कहां गया? वैसे ही है, कहां है? क्या क्या हुआ? स्वप्न जब आप जाग गए तो स्वप्न दृष्टा कहां गया? क्या शरीर में आ गया? वो गया कहां? गया नहीं गया। जब स्वप्न दृष्टा में देश काल था ही नहीं, तो वो जाएगा कहां बंदा? दिल्ली वाली स्टाइल है, पंजाब और दिल्ली वाली है। हमारा अभ्यास नहीं इस तरह से बंदांदा का। जब स्वप्न दृष्टा, जब आप जाग गए तो स्वप्न दृष्टा गया ही नहीं कहीं, तो क्या शरीर में आया हुआ? क्या स्वप्न दृष्टा शरीर में आया? कोई बोल नहीं रहा है।
वो कहाँ है प्रियराज? वो किसी वैकुंठ में है या साकेत में है या कैलाश में है? नहीं नहीं। फिर जहां पे सपना दिख रहा था, जिस स्वप्न दृष्टा पे, उसी स्वप्न दृष्टा पे पूरा जागृत दिख रहा है। अब हम इस शब्द को हटा रहे हैं, दुनिया हटा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वर्ल्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड वेकिंग स्टेट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वर्ल्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड वेकिंग स्टेट। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। जो स्वप्न दृष्टा था वो स्वप्न में सही था, अब उसके बाद जागृत आ गया। तो स्वप्न दृष्टा तो कहीं जान सकता नहीं, क्योंकि देश काल में था नहीं। जो देश काल में नहीं होगा वो जाएगा कहां? तो जो स्वप्न दृष्टा था उसी पर सारी जागृत अवस्था दिख रही है। उसी पर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मतलब क्या? मतलब स्वप्न दृष्टा, अब इसका नाम जागृत दृष्टा बोल दे रहे हैं, ये जागृत दृष्टा ही पूरे जागृत के रूप में दिख रहा है। बोले नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बोले हम समझना चाहते, कोई आप उदाहरण दीजिए जरा सा। स्क्रीन, स्क्रीन आया, स्क्रीन पे अंधेरा था, दिखी नहीं रहा स्क्रीन क्या है, स्क्रीन में नहीं दिखी, उसको बोलते सुषुप्ति। अब स्क्रीन पर एक पिक्चर आई, मान लीजिए अच्छी पिक्चर देखा जाए, तो स्क्रीन पर एक पिक्चर आई, उस पिक्चर का नाम है मान लीजिए जय संतोष। बड़ी पुरानी पिक्चर थी जय संतोष, अच्छी पिक्चर देखा जाए ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। बोले आप बहुत पुरानी बात कर रहे, 40 साल पुरानी फिल्म हम आज बोल रहे हैं, कुछ आज की बोलिए, पाकिजा बोल देता है। चलिए हमारा एरिया नहीं है इसलिए हमको पता नहीं चला। ऐसा बचपन में एक पिक्चर हम एक साल में देखते थे, और वो जो पिक्चर हम देखते थे वो भी हमारे माता जी पिताजी साथ जाते थे। आप सोचिए जरा, मैं कोई ज्ञान नहीं था पिक्चर का, वो साथ बैठते थे हम देखते थे। जानते कौन सी पिक्चर देखते, किस तरह की पिक्चर चूज किया जाता था? हाथी मेरे साथ। देखा होगा वो तो हिट फिल्म, हाथी मेरे साथ, चल 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 मेरे हाथी चल साथी, ऐसा था। अब मान लीजिए आपने एक पिक्चर देखी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो स्क्रीनी हाथी बनी, स्क्रीनी हीरो बने, स्क्रीनी जो है उसमें कार होती खराब हो जाती। हाथी मेरे साथी में एक कार होती है वो खराब हो जाती है, शायद वो हाथी उसको ले जाता है, सही था कुछ याद नहीं आ रहा है, 40 साल पहले देखा था, ऐसा ही था ना? नहीं देखा है हाथी मेरे साथी, देखो फिर। तो उस वो जो पिक्चर थी ऐसा ही था, अब वो चली गई पिक्चर, अब स्क्रीन ही उसमें हाथी थी, स्क्रीनी उसमें हीरो थे, स्क्रीनी उसमें कार थी, स्क्रीनी उसमें पेड़ था। स्क्रीन में परिवर्तन नहीं हो रहा था जब फिल्म में परिवर्तन हो रहा था। जिसको आप फिल्म बोल रहे हैं वो स्क्रीनी थी, स्क्रीन अदा,
स्क्रीनम इदम, स्क्रीनात स्क्रीनम उदच्छते, कुछ और था नहीं वहां पर। बोले सेकंड लाइन का बोले बोले वेट, इसको तो ठीक किया जाए थोड़ा सा। अगर वो पिक्चर बदल गई, अगर वो पिक्चर चली गई और फिर अगली पिक्चर आ गई स्वदेश, हम सोच रहे किस पिक्चर के, स्वदेश पिक्चर थी वो भी काफ़ी अच्छी हिट हो गई थी शायद, स्वदेश पिक्चर कोई है नहीं क्या यहाँ पिक्चर वाला, स्वदेश कोई हिट हुई थी तो एक स्वदेश पिक्चर आ गई थी, उसने भी काफ़ी गाना वाना था, उसमें एक फॉरेन से कोई आता है ना, और हाँ हाँ, और वे एक उस पे सोता है, क्या नाम है उसका, हाँ क्या करे मैन में उस पे सोता है, ऐसा कुछ था। तो अब आपने वो पिक्चर देख ली उसी स्क्रीन पे, अगर वो पिक्चर देखा तो सारी पिक्चर की जो वो कैरावैन था या जो हीरो था वो स्क्रीन ही थी, और उसमें वो लंदन से अमेरिका कहीं से आता है, वो लंदन अमेरिका भी वही था। जब आप सो गए तो डार्क हो गया संभावना, वहां ज्ञान की वृत्ति आ गई, तो जो अज्ञान की वृत्तियां नहीं जानते लेकिन वो स्क्रीन ही थी, वहां दृष्टा था जो नहीं मालूम पड़ा। जब आप सो रहे हैं, जब आप सपना देखे वहां भी दृष्टा था जो कि सारे स्वप्न के बीच में आ गए, अब जाग गए, जाग के मतलब दूसरी फिल्म, फिर तीसरी फिल्म आ गई। जो जागृत की परिभाषा दिया है वेदांत ने इंद्रियार्थेषु उपलब्धि जागृतम, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागृतम, बोले इंद्रियों से जब आप कुछ देखते हो उसी दृष्टा में दिख रहा है, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागृतम। तो मतलब पूरा जो जगत है वो पूरा जगत, पूरा जगत डैश पर है, पूरा जगत डैश पर है, फिल इन द ब्लैंक मुझ में ही है। और पूर्ण क्यों बोला उसको, पूर्ण क्यों बोला, क्योंकि उसमें देश का नहीं है। बोले सब जान के होगा क्या, होगा ये जो जगत ठोस दिखता है मिथ्या की परिभाषा आप क्या करते हैं, बोले झूठ बोल रहा है। आप झूठ कैसे बोलते हैं किसी चीज को, कोई चीज दूसरे से निगेट हो जाए उसको झूठ बोलते हैं। बोले आप कहाँ गए थे, बोले हम कमरे में ही थे। कमरे में थे आप, हाँ यहाँ हम यहाँ हनुमान जी के पास थे। कब, कल शाम को 4 बजे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कहाँ पे, हनुमान जी के पास नीचे बैठ गए। अच्छा लेकिन सीसीटीवी बता रहा है कि आप नहीं थे, यहाँ सीसीटीवी नहीं। अच्छा थैंक गॉड, डरबन आश्रम में 32 सीसीटीवी हैं, 32 सीसीटीवी, इतना तो बैंक में भी नहीं रहता। पॉइंट सीसीटीवी से कवर हो गया है, बरंडा लॉन मंदिर हॉल, हॉल में 2-2 सीट सीसीटीवी है, और हम यहां से देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है सत्संग में कौन नहीं आ रहा है, कौन आया कौन गया, देखते नहीं, आप चिंता मत करिए। कुछ भी होता तो तुरंत पता चल जाता है कहां पे कौन आया कौन गया, तुरंत सब रिकॉर्ड हो जाता है। देखो अगर किसी ने बोला हम 4 बजे यहां पे थे लेकिन हमने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया, उसमें टाइम भी आता है, उसमें फुटेज में
बहुत अच्छे से टाइम आता है, शायद शॉप्स वगैरह में ज़्यादा होगा, शॉप्स, मॉल्स, पुलिस स्टेशन, घर में भी लोग रखते हैं आजकल तो, जहाँ मेड वगैरह होती है वहाँ रखते हैं। इन्होंने रखा, इन्होंने घर में सीसीटीवी रखा, मेड ने उसको हटा दिया। मेड ज़्यादा बुद्धिमान थी। तो जो है, अगर हमने उनको दिखा दिया कि 4 बजे आप यहाँ से चले गए थे, कहाँ आप धर्मशाला चले गए थे, अच्छा यहाँ नहीं थे आप, बताइए, प्रूफ करिए, तब क्या बोलेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ मतलब किसी सच से दो निगेट हो जाए। हमारा ये शरीर है, ठोस दिख रहा है, लेकिन ये सच से ये नहीं रहता, इसलिए ये झूठ है, क्योंकि इसकी उपस्थिति नहीं रहती, बिकॉज इट इज निगेटेड। क्या वो नहीं रहे, वो हम लोग यूज करते हैं शब्द को, वो नहीं रहे, कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन शरीर तो नहीं रहा उनका, वो जीव चला गया, वो फिर नहीं मिलेंगे, फिर वो शरीर नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका बालकपन वापस मिल सकता है, आपका जो बचपन है, जब आप 10th क्लास में थे या 12th में थे, इतना तो पढ़िए सब, तो वो वापस फिर से आप वो 10th क्लास का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जो जिस चीज का अनुभव दूसरे अनुभव से कट जाए, उसको मिथ्या बोलते हैं। अनुभव हो रहा है अलग बात, ध्यान देकर सुनिएगा, अनुभव इज नॉट एन अथॉरिटी, हमें अनुभव हो रहा है कि हम युवा हैं, हम बच्चे हैं, 20-30 साल बाद वो अनुभव कट गया अपने बारे में, हम लगा कि हम जो है मिडिल एजर मिल गए। मिडिल एज किसको बोलते हैं, मिडिल एज किस उम्र को, 40-50 के अंदर मिडिल एज, तो मिडिल पार्ट बढ़ जाए, है ना, क्यों भाई, मैं तो उसको बोलते मिडिल एज। तो हम यूथ थे, युवा थे जब, 20-30 साल उसको युवा बोल देते हैं, फिर उसको हम अधेड़ बोल देते हैं, बोले अधेड़ उम्र में है, और फिर 50-60 साल के बाद उसको बोलते हैं जब दाढ़ी और बाल, उसको बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड। वो सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड, वो जो हमारा अनुभव था कि हम युवा हैं, इस अनुभव से कट गया, और हमारा ये अनुभव था कि हम अधेड़ हैं, अब हम ओल्ड हो रहे हैं। 60 के ऊपर ओल्ड बोल दिया जाए कि नहीं, दें बोल दिया जाए, ठीक है, आशा बोलने बोल देते हैं। अब जितना बाल बाल रंगिए होंगे भाई, 60 के ऊपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है, और उनको प्रायोरिटी मिलती है, कुछ रेलवेज में भी मिलती, पता नहीं मिलती नहीं मिलती, कंसेशन है भाई, हाँ, लाइट नहीं भी है, बंद हो गया, अच्छा भाई पता लगा कि बताइएगा। लेकिन उनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है, कितना अच्छा नाम है, बाकी सब ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो सीनियर है, हाँ। तो अब जो आपको अनुभव था कि हम मिडिल एजेड हैं, मिडिल एज का अनुभव कट गया इस अनुभव से, जो एक अनुभव दूसरे अनुभव से कट जाए, उसको बोलते हैं झूठ। बहुत सोचा गया हमारे,
ये पूरी जो बुक आपको दिख रही है ना, बहुत सोचा गया है इसका। अच्छा, ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं, ये अब नहीं है। जो पिताजी हैं का अनुभव कट गया नहीं रहने से, इसके मतलब पिताजी झूठते हैं। यानी पिताजी झूठ बोलते थे, नहीं वो हम नहीं कह रहे, वो हम नहीं बोल रहे। आप अलग मत जाइए, हम ये बोल रहे हैं कि जो जो जिसको आप पिता बोलते हैं वो झूठ है। ओ सॉरी, आप क्यों बोलते हैं कि सपना चला गया? क्योंकि आप उसको वापस नहीं ला सकते। यू कांट री एक्सपीरियंस योर ड्रीम। जितना कोशिश कर दीजिए वो सपना नहीं आएगा जो आपको आ चुका। जितना कोशिश करिए, आपको जो आपके बचपन में जो आप पहले दिन स्कूल गए थे, पता नहीं आपको याद हो, या फाइव फिफ्थ क्लास में थे, सिक्स में थे, जब मार पड़ी थी, तो वो जो अनुभव है वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक अनुभव नहीं घट रहा है, और वो है अहम अस्मि। जो पूर्ण मदा है, पूर्ण मिदम है। सपने के पहले हम जो थे वो साक्षी थे, दृष्टा थे। सपना आया, दृष्टा दृश्य के रूप में दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सपना चला गया, जागृत आया, सब जो दृष्टा था वो शरीर के अंदर नहीं गया, क्योंकि देश काल में दृष्टा नहीं है। बोली इतना बड़ा जगत साहब, आप क्या बोल रहे हैं, सितारे हैं, इतनी स्पीड है, क्या हुआ उसकी लाइट की, वो सब का सब दृष्टा में ही है। कमाल है यार। लेकिन जो हमको होता है कि हुआ नहीं हुआ, बेटा हुआ, बच्चा हुआ, आज हमारी शादी हुई, आज हम वो बुढ़े हो रहे हैं, आज वो नहीं रहे, वो आए वो गए, बाल हमारा, हमने अब कितना बाल हम निकाले, सफ़ेद वाला। जब पहली बार किसी का सफ़ेद बाल आता है तो कोशिश करता निकालने की, जब दो चार बाल सफ़ेद हुआ तो निकाल, अब कितना निकालें। तो हम नहीं निकालते अब। ये हुआ, अच्छा बिजनेस शुरू किया, फ्लॉप हो गया, अब नया शुरू किया है, अच्छा क्या के बिजनेस, कटलरीज का एक्सपोर्ट करते हैं बस, अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या बोलते इसको, चाइना, क्या बोन चाइना का, बोन चाइना की क्रॉकरीज बना रहे हैं और चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिजनेस हमारा है। कई लोग जिंदगी में आए, कई चले गए, हम इस जॉब में थे पहले, अब इस जॉब में आ गए। अच्छा हाँ, पहले हमारी जॉब कुछ और थी, अब कुछ और जॉब है, हमारे वो बॉस थे, अब वो बॉस नहीं रहे, अब ये नए बॉस आ गए हैं। अच्छा हाँ, पहले हमारी पत्नी बहुत अच्छी थी, अब बहुत तकलीफ में है। अच्छा, पहले बच्चा बहुत छोटा था, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, उसकी शादी के लिए हम लोग लड़का ढूंढ रहे हैं, उसकी भी शादी हो, उसके लिए जो सब कुछ हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है। मोह निशा सब सोम निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जा गई जोगी, परमारंद प्रमंच वियोगी। सपने होई भिखार नृप, रंक नागपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिमी जोई। अगर दृष्टा ही है तो ये सब क्या हो रहा है? बोले तुम जानो, तुम जानो, तुमने सब फैलाया है मन में। एक आदमी को
एक आदमी को शेर खाने आ गया सपने में। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई तुम हमको खाओगे कि छोड़ दोगे, तो शेर ने कहा तुम्हारा सपना है। तुम डिसाइड करो यार। मैसेज आप पकड़िएगा, आपका घर परिवार सक्सेस फेलियर मृत्यु, दादाजी नहीं रहे, अब यही सुनते रहिएगा जिंदगी भर, अरे दादाजी नहीं रहे, फिर चाचा जी नहीं रहे, अरे कोई फिर नया आ गया, फिर किसी की पैदा हो गया, जो बोले हमारे कजिन का एक नया बच्चा पैदा हो गया, उन्हें नया की बच्चा पैदा काफ़ी है, नया क्या बोला, वो जो बच्चा पैदा हो गया उसका नाम है सत्य प्रकाश, बड़ा पुराना नाम रखा, बोले लेकिन यही आया था। ये सब का सब जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां पे सब होता सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पूर्णान पूर्णमुदच्यते, मतलब जो नेम एंड फॉर्म है, जो चेंजेस है, जो जड़ है, वो सब अपीयरेंस है, वो सब भाषा है। भोग वियोग जोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, बोलो ये सब है, सब माया फंदा ऐसा कुछ है। भोग करना, बोले हम यार सेपरेटेड हो गए, भोग वियोग जोग मिल गए, बहुत अच्छा है बुरा है, कल देखेंगे। हमारे ख्याल से थोड़ा सा विषय गंभीर है, लेकिन आप सपने वाला याद रखिएगा, थोड़ा सा इससे हमको इतना सहायता मिली है, जो इस एग्जाम्पल से सपने वाला जो दृष्टांत है, जो दृष्टा है, मतलब हमें इतना उससे हेल्प मिली अपनी साधना में कि हम आपसे क्या बोले। तो अलग से ध्यान क्या करा जाए, आपल खेल आप करी देखे, खेल सकोचे तो नानक एक है। कल देखते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। सीधे बैठे, शरीर को थोड़ी देर के आप पंच महाभूत की दृष्टि से देखिए,
चेहरे पे कोई तनाव ना हो, जिसको हम मैं बोलते हैं, मेरा बोलते हैं, वो पंच महाभूत का एक पुंज है। काल खत्म होने पे वो वैसे ही उड़ जाता है जैसे हवा चलने से रुई उड़ जाती है। आप शरीर से पहले भी थे, शरीर के बाद भी रहेंगे। मन शांत तब रहता है जब किसी विषय को मेरा नहीं मानता। इस व्यक्ति की जॉब, इसका परिवार, इसका यश, इसका रोग, इसकी हेल्थ, सब कुछ इसकी है, मेरी नहीं। कोशिश करें आसन थोड़ी देर के लिए न बदलें। शरीर, प्राण, मन और वीर्य, ये सब एक का ही नाम है। एक हिलता है तो सब हिल जाते हैं। स्थिर शरीर से प्राण स्थिर हो जाता है, स्थिर प्राण से मन स्थिर हो जाता है। नाम को कहीं जाना है ना आना है, अपने कर्तृत्व का भार न ढोइए। न हमें कुछ सोचना है न बताना है। हम एक साक्षी हैं।
इस व्यक्ति का जीवन हमारा जीवन नहीं है। इस व्यक्ति का परिवार हमारा परिवार नहीं है। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा चिदानंद रूप शिव। एकदम मन को शांत रखिए। शांति मतलब दूर से देखना, ऑब्जेक्टिफाई करिए। धीरे से भगवान का स्मरण करके उनको धन्यवाद देंगे।